आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सनसनी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आयुष मंत्रालय द्वारा बताया हुआ काढ़ा की रेसिपी क्या है। इस काढ़े को पीने की सलाह हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दी है। ये काढ़ा कैसे बनाते हैं, मैंने इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये काढ़ा पीने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम कई बीमारियों से बच जाते हैं। आइए देखते हैं ये काढ़ा मैंने कैसे बनाया है। ये काढ़ा मैं अभी दो लोगों के लिए बना रहा हूँ। इसके लिए मैंने दो गिलास पानी यानी कि आधा लीटर के आसपास पानी लिया है। अब हम इसमें एक टुकड़ा दालचीनी का मिलाएंगे, जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पानी में मिला देंगे। दालचीनी खांसी जुखाम बुखार में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अब हम इसमें 3 साबुत लौंग को पानी में मिला देंगे। लौंग खांसी में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। लौंग इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करती है। अब हम इसमें 2 छोटी इलायची मिला देंगे। इलायची की तासीर गर्म होती है और आयुर्वेद के अनुसार शरीर को गर्मी देने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटी इलायची को हम छील कर उसको पानी में मिला देंगे ताकि जब पानी उबले तो इसके जो फ़ायदे हैं वो इस पानी में आ जाएं और हमारे शरीर में इसके फ़ायदे मिल सकें। इसके बाद हमने एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। अदरक को हम बारीक कस कर पानी में मिला देंगे। अदरक हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। अदरक में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई के साथ साथ काफ़ी न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे शरीर में काफ़ी बीमारी से बचाते हैं और सर्दी बुखार खांसी में इसका इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब हम इसमें 6 काली मिर्च को मिला देंगे। काली मिर्च में काफ़ी औषधीय गुण पाए जाते हैं। काली मिर्च का इस्तेमाल सर्दी जुखाम खांसी को दूर करने में भी किया जाता है। काली मिर्च को हम बारीक पीस कर इसको अच्छी तरह से पानी में मिला देंगे। इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि अगर हम ये काढ़ा बच्चों को भी दें तो उनके गले में ना लगे। अब हम इसमें 1 टुकड़ा गुड़ मिला देंगे। आप गुड़ की जगह काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ सर्दी जुखाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट जिंक सिलेनियम होता है जो इन्फेक्शन से हमें बचाता है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी को मिलाएंगे। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट एंटी फंगस एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो सर्दी खांसी जैसी कई बीमारियों से हमें बचाते हैं। अब हम इसमें 6 से 7 पत्ते तुलसी के ऐड करेंगे। तुलसी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पानी में मिला देंगे। तुलसी का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। तुलसी सर्दी खांसी बुखार के साथ साथ काफ़ी बीमारियों से हमें बचाती है और एक कारगर औषधि है। इस काढ़े को पीने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता तेज़ी से बढ़ती है। अब मैं आपको सबसे अहम और ख़ास बात बताऊंगा। आप इस काढ़े से अपने गले की शिकायत भी कर सकते हैं। अगर आप ये काढ़ा सिर्फ अपने लिए ही बना रहे हैं तो आप इसकी भाप यानी कि स्टीम जरूर लीजिएगा। अगर आपके गले में कोई भी इन्फेक्शन है या कोई भी आप संक्रमण फील कर रहे हैं तो इसकी भाप लेने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और ऐसा करने से आपके गले का जो संक्रमण है या इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम इस काढ़े को हल्की गैस करके 10 मिनट तक उबालेंगे। हमें इस काढ़े को तब तक उबालना है जब तक हमारा पानी आधा ना रह जाए। जब हमारा पानी आधा रह जाएगा तब हम गैस बंद करके इसको चूल्हे से उतार लेंगे। इस काढ़े में मैंने जो जो सामग्री का उपयोग किया है वो सब डालना बहुत ही ज़रूरी है। गैस से उतारने के बाद भी आप देख सकते हैं कि इसमें भाप निकल रही है। अगर आपके गले में कोई भी इन्फेक्शन है या आपके गले में दर्द है तो आप इसकी भाप यानी कि स्टीम भी ले सकते हैं। अब हम इस काढ़े को गिलास में निकाल लेंगे। आप इस काढ़े का रोज़ 1 गिलास ज़रूर पीजिएगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको 2 से 3 चम्मच ज़रूर दीजिएगा। ये काढ़ा बनाकर आप पूरे परिवार को पिलाएं और इस काढ़े का स्वाद इतना अच्छा है कि आप चाय पीना भी भूल जाएंगे।
जैसे कि आजकल मौसम बदल रहा है, मौसम ठंडा गर्म है, ऐसे समय में हमारे शरीर में काफ़ी बीमारियां होने का खतरा रहता है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार। अगर हम ये काढ़ा रोज़ पियेंगे तो हमारे शरीर में काफ़ी बीमारियां होने का खतरा कम रहता है। इस काढ़े को पीने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहता है। इस ड्रिंक को आप आराम से धीरे धीरे सिप सिप करके पीजिएगा। ये ड्रिंक हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद ड्रिंक है। इस ड्रिंक को आप घर पर रोज बनाइएगा। ये बनाने में बहुत ही आसान है और आप इसको रोज पी सकते हैं। कोशिश करें कि रोज कम से कम एक गिलास तो रोज पिए। अगर अच्छा होगा कि आप इसको सुबह शाम भी पी सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक धन्यवाद।